वारिस पंजाते का मुखिया अमृतपाल सिंह भले ही अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हो, लेकिन उस पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब तक अमृतपाल सिंह के कुल 112 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 34 को रविवार को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत ने मेहतपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिससे अमृतपाल फरार हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानी समर्थकों ने तोड़फोड़ की है, जिसके बाद भारत ने सख्त एतराज जताया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार हरकत में आई और एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अमृतपाल का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी लिंक सामने आया है। जालंधर रेंज के DIG स्पंज शर्मा का दावा है कि अमृतपाल का ISI से भी कनेक्शन हो सकता है। कोई पाकिस्तान दे नाल भी लिंक है इना दे? पाकिस्तान नाल दिखता है। किस तरीके दा लिंक है? ISI कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ISI कनेक्शन है, तो क्या है वो? वो ISI दिल्ली से इसे फंडिंग होती थी, कुछ लोग दिल्ली से भी अरेस्ट किए, ऐसा भी कुछ है क्या सर? ये नहीं है, हमें हवाला के पास इसे दुबई से होते हुए पेमेंट आती थी। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल, इसकी इन्वेस्टिगेशन। सर ISI के पास ऊपर क्या इनपुट है आपके पास कि ISI के साथ कोई लिंक है? इस सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ज्यादा बेटर। तो अनु है इनपुट, इनपुट है कि ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि अमृतपाल सिंह के मामले में अब तक क्या हुआ। अब तक 112 लोगों की गिरफ्तारी, घर से AKF मार्क वाली जैकेट बरामद, भागने में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद, राइफल, तलवार और वॉकी टॉकी सेट बरामद, सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च, जगह जगह पुलिस की छापेमारी जारी। कौन है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल की बात की जाए तो उसका गाँव जल्लूपुर खेड़ा, उम्र 30 साल, शिक्षा 12वीं पास, कारोबार दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम। 2012 में अमृतपाल दुबई चला गया, वो वहाँ ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहा था। अमृतपाल के ज्यादातर रिश्तेदार भी दुबई में रहते हैं, लेकिन अमृतपाल सार्वजनिक रूप से उस वक्त चर्चा में आया जब वारिस पंजाते संगठन के मुखिया दीप सिद्धू की मौत हो गई। साल 2001 में दीप सिद्धू ने वारिस पंजाते नाम का संगठन बनाया था। ये संगठन किसान आंदोलन में भी काफी सक्रिय था। 15 फरवरी 2022 को दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल दुबई से भारत लौटा था। 25 सितंबर 2022 को अमृतपाल अमृतधारी सिख बना। इसके महज 4 दिन बाद यानी 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में बड़ा आयोजन हुआ और इसी आयोजन में वारिस पंजाते संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह को घोषित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अमृतपाल कभी भी दीप सिद्धू से मिला नहीं था। दुबई से लौटने के बाद अमृतपाल की गतिविधियों का सिलसिला तेज हो गया। भले ही अमृतपाल के विचार दीप सिद्धू से मिलते थे, लेकिन वो भिंडरा वाले को अपना गुरु मानता है और इसकी शुरुआत संगठन प्रमुख बनने के साथ ही हो गई थी। वही अगर निजी जिंदगी की बात करें तो अमृतपाल सिंह ने इसी साल NRI किरणदीप कौर से शादी की है। किरणदीप कौर ब्रिटेन की रहने वाली हैं। दोनों की शादी अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा अमृतसर में बेहद ही सादे समारोह में हुई थी। किरणदीप कौर कथित तौर पर जालंधर की रहने वाली हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद से उसकी चर्चा और तेज हो गई। अजनाला की घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इससे कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह ने अमित शाह को भी धमकी दी थी। बहरहाल पंजाब पुलिस की दर्जनों टीमें अमृतपाल सिंह की तलाशी में छापेमारी कर रही हैं। पंजाब में आज भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।